हेलो दोस्तों, सरोज एकेडमी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ तुरई की एकदम ऐसी नई रेसिपी। बड़े क्या बच्चे भी मांग मांग के खाएंगे, तो फिर चलिए ये वीडियो फटाफट से शुरू कर लेते हैं। तुरई की एकदम नई रेसिपी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर देसी तुरई ली है। आप गिल की तुरई हो तो गिल की तुरई भी ले सकते हो, कोई सी भी वेरायटी की तुरई ले सकते हो। और इसे ऐसे छील लेंगे, और ये देखिए अंगुली का सपोर्ट नहीं रहता है ना, तो ऐसे ये बीच में से टूट जाती है तो फिर छीनने में प्रॉब्लम होती है। तो आपको ऐसे अंगुली का सपोर्ट करके और फिर ऐसे छीनना है, तो ये बिल्कुल भी टूटेगी नहीं। छीन लेने के बाद ऐसे कटिंग कर लेंगे इनकी सारी तुरई की। मैं यहाँ पर दो लोगों के लिए सब्जी बना रही हूँ, और दो लोगों के लिए मैंने यहाँ पर 7-8 तुरई ली है। आप सोच रहे हो इतनी ज्यादा, ये क्या है, थोड़ी कम क्वांटिटी में हो जाती है पकने के बाद, ये एक कटोरी के समथिंग ही बनेगी। सारा मेजरमेंट इसी के अकॉर्डिंग देखेंगे। इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर, जो इसका टेस्ट बढ़ाएगा, और तीखापन, अगर मान लीजिए रेड चिली पाउडर आपकी तीखी है तो तीखापन भी कम करेगा। और ये सारी चीजें मैं एक एक चम्मच ऐड करी, ये टी स्पून है, टेबल स्पून ये है, क्योंकि टेबल स्पून बड़ी वाली चम्मच होती है, मैंने यहाँ पर छोटी वाली चम्मच ली है, वो एक एक चम्मच ही ऐड कर रही हूँ। और नमक मैंने यहाँ पर टेबल स्पून लिया है, तो इसमें 1/2 चम्मच ही नमक ऐड करेंगे। नीचे से गैस ऑन करके एक पतीला लेंगे और इसमें ऐड करेंगे ऑयल, और तेल को गर्म होने देंगे और चेक करेंगे कि तेल गर्म हो चुका है या नहीं। अब ये देखिए कितनी फटाफट तेल गर्म हो चुका है। इसमें जीरा डालेंगे, प्याज लहसुन कुछ भी मैं इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ, डायरेक्ट ये तुरई डालेंगे। जितनी ज़्यादा सिंपल आप तुरई बनाएंगे ये उतनी ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। पानी वानी डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुरई में थोड़ा सा पानी होता है, लेकिन अपन कम क्वांटिटी में डालते हैं ना, तो इतना पानी नहीं छोड़ती है, इसलिए थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे। और अपन ने जो तुरई ली है वो थोड़ी देसी तुरई भी ली है, इसलिए उसमें वो पानी कम छोड़ती है, इसलिए थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर देंगे। और अब इसको पका लेंगे मिक्स करके, और अपनी ये तुरई की सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। टेस्ट